अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर टाली पलटी, दो की मौके पर मौत, दो गंभीर घायल। घटना की सूचना पर डायल 100 पुलिस व 108 मौके पर पहुंची। घायलों का मनावर के शासकीय अस्पताल में इलाज जारी। थाना मनावर के अल्ट्रा ट्रैक फैक्ट्री रोड की घटना, अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली नहर में पलटा, जिसमें दबने से दो की मौत मौके पर हो गई और दो गंभीर घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 100 पुलिस व 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों व क्रेन की मदद से ट्रैक्टर के नीचे दबे हुए घायलों को निकालकर मनावर के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा घायलों का इलाज किया जा रहा है एवं मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी मृतक व घायल मनावर विधानसभा के ग्राम लोनी के निवासी बताए जा रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। अभी कुछ देर पहले हमारे पास सड़क दुर्घटना के पश्चात बताया किसी ने कि ट्रैक्टर पलटी है, उसमें दो मृतक को लेके आया गया था, जिनकी वहीं पर एक्सीडेंट के दौरान वहीं घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। उसमें लोकेश पिता मनशाराम एवं भीम सिंह पिता देव सिंह की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई थी और दो व्यक्ति सोहन पिता सरदार एवं मनशाराम पिता चंदर को घायल अवस्था में लाया गया था, जिनका प्राथमिक उपचार अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनावर में चल रहा है और उन दोनों की स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है। तो ये है कि जो ग्राम लोड़ी के रहने वाले, ट्रैक्टर भी वहीं का है, उनके ट्रैक्टर लेके आए थे, चार पांच लोग आए थे, तो यहाँ बनावर में कुछ सामान लेके आए थे, तो खाली करके ना वापस टोकी जा रहे थे किसी काम से। तो टोकी में जो नहर वाली रास्ता है, तो उस रास्ते में जो मंदिर के पास में अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और रोड के नीचे पलट गया, तो उसमें चार लोग दब गए थे, जिनको पुलिस की मदद और पब्लिक की मदद से निकाल के ना अस्पताल इलाज करने लाए थे, तो इलाज के दौरान दो व्यक्ति एक्सपायर हो गए। चार घायल हुए थे, उसमें से दो की एक्सपायर हो गए हैं और दो अभी इलाज चल रहा है।